प्यारी बेटी, सबसे बड़ी हकीकत यह है कि अल्लाह एक है। वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा। उसका कोई हमसर नहीं, वो यकता है। वो किसी चीज का मोहताज नहीं है बेटी, बल्कि हर चीज उसकी मोहताज है। अल्लाह की ज़ात सिफात लामहदूद हैं। वो हर वक्त अपने बंदों के साथ होता है। वो बगैर किसी वसीले या सालिस की जरूरत के जानता और देखता है। उसकी ताकत हर चीज के लिए काफी है। वो हम सब का खालिक है। वो तमाम कायनात की हर शय को मुनज्जम रखता है। प्यारी बेटी, इस्लाम का मतलब है अल्लाह की वहदानियत को कबूल करना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी अंबिया पर वही नाजिल हुई। बेटी, इस्लाम तौहीद पर मबनी है। हर नबी ने लोगों को अल्लाह की वहदानियत पर यकीन करने की दावत दी और लोगों को अल्लाह के अहकामात और ममनुआत से आगाह किया। अल्लाह ताला ने पैगंबरों का सिलसिला मुकम्मल करने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल और पैगंबर बनाकर भेजा। हम तमाम मुसलमान मानते हैं कि सारे नबी हक और सच्चाई पर हैं। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कुरान अल्लाह की तरफ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब है। हम इसमें बयान की गई हर शय पर बिला शक व शुबा ईमान रखते हैं। फरिश्तों पर, तकदीर पर, मरने के बाद जी उठने पर, हिसाब के दिन यानी कयामत पर हम इन सब पर ईमान रखते हैं। बेटी, इस्लाम में दाखिल होना अल्लाह को मानना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं और अल्लाह की तरफ से वो जो भी लाए उस पर हमें यकीन करना है। हम इस ईमान का इजहार कलिमाए शहादत से करते हैं बेटी। हाँ, तो अब मेरी प्यारी बेटी, हम तुम्हारे कलिमाए शहादत पढ़ने और तुम्हारे मुसलमान होने की गवाही देंगे। अल्लाह के हुजूर और गवाहान की मौजूदगी में तुम्हारी अपनी मर्जी के साथ बिना किसी दबाव, खौफ या जबर के तुम्हें दीन इस्लाम के लिए मुंतखब कर लिया गया है। किसी भी दबाव के बगैर अपने होश और हवास में इस्लाम कबूल करती हूं। क्या तुम गवाह हो बाला? गवाह हूं मैं। मैं भी गवाही देता हूं। अब हम कलिमाए शहादत की तरफ आते हैं और तुम्हारे इस्लाम कबूल करने की शहादत देते हैं। अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। واشهد ان محمدا عبده ورسوله مبارك بيتي
हमारे दीन की तालीमात के मुताबिक इस्लाम कबूल करने से माजी के तमाम गुनाह मिटा दिए जाते हैं। ये मुबारक तरीन खुशखबरी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है।